असम में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिल के विरोध में अगप परिषद पहले से ही भाजपा से अलग हो गई है। अब बोडो पीपल्स फ्रंट के भी सरकार से समर्थन वापस लेने की चर्चा हो रही है। अगर बीपीएफ अपने हाथ खींचती है तो वहाँ भाजपा सरकार संकट में आ जाएगी। जहाँ असम की अस्मिता के नाम पर सारे दल एक होकर भाजपा सरकार में दोफाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं असमिया हिंदू बनाम बंगाली हिंदू भावना भी लगातार उग्र होती दिख रही है। देवव्रत सैकिया ने तो मुख्यमंत्री सोनोवाल को प्रस्ताव दिया है कि अगर वो 45 विधायकों के साथ भाजपा से अलग होते हैं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। बता दें कि असम में कांग्रेस के 25 विधायक हैं। बदरुद्दीन अजमल भी नए समीकरण को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए एक बड़ा संकट ये है कि उसके 61 विधायकों में से कम 40 विधायक ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भाजपा की नहीं रही है। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी एजीपी से भाजपा में आए थे। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध के पीछे असम के मूल निवासियों का तर्क है कि अगर विधेयक पारित हो जाता है तो इससे असमी भाषा और संस्कृति को लेकर खतरा होगा। बंगाली हिंदुओं का मुद्दा भाजपा को असम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों व पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा माइलेज दिला सकता है। असमी लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें वहां के 6 समुदायों को ट्राइबल का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। बिल के कानून बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय 6 साल भारत में गुजारने पर और बिना वैध दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।